हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। बिग बॉस 11 की एक कंटेस्टेंट का वीडियो सामने आया जिसमें वह जिस्म फरोशी के धंधे से जुड़ा बड़ा खुलासा कर रही हैं। अर्शी खान ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया है कि जब से उसने राधे माँ का पर्दाफाश किया तब से उन्हें सेक्स स्कैंडल में फंसाने की प्लानिंग चल रही थी। अर्शी खान ने साल 2015 में खुलासा किया था कि राधे माँ जिस्म फरोशी का धंधा चलाती हैं। एक्ट्रेस ने आरोप लगाया कि राधे माँ ने उसे भी अपने धंधे में शामिल होने का ऑफर दिया था जिसे उसने ठुकरा दिया। अर्शी खान वीडियो में इसके आगे की घटनाओं का जिक्र करती नजर आ रही है। अर्शी खान ने बताया कि साल 2015 में एक इवेंट के सिलसिले में वह पुणे गई थी। रात करीब 1:45 बजे उनके होटल रूम में क्राइम ब्रांच के 10 ऑफिसर धमक पड़े और अरेस्ट करने की धमकी देने लगे। आईडी प्रूफ और डॉक्यूमेंट भी जब्त कर लिया। फिर उसे छोड़ने के बदले न सिर्फ 15 लाख रुपए मांगे बल्कि सेक्सुअल डिमांड्स भी किए। इस पूरी घटना के दौरान अर्शी खान का एक रिकॉर्डर ऑन था जिसमें पुलिस वालों की सारी करतूत कैद हो रही थी। अर्शी खान ने संदीप पाटिल नाम के एक अधिकारी का भी नाम लिया है जो इन सब में शामिल था। उसने बताया कि होटल के कमरे से उसे किसी वीमेन सेंटर ले जाया गया और सुबह 7 बजे रिहा भी कर दिया गया। हालांकि अर्शी खान के इस खुलासे पर पूरी तरह यकीन नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने इसके बदले कोई ठोस सबूत नहीं दिए हैं।